देखिए लगभग 36 घंटे होने को है और हजारीबाग की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास पे अभी भी ईडी की रेड जारी है। लगातार 36 घंटे से ये रेड हजारीबाग के हुड़ू स्थित उनके आवास पे चल रही है। हालांकि आज सुबह से उनके दूसरे आवास पे ये रेड चल रही है और आपको बता दूं इस आवास में उनके भाई सुमित मौजूद है जिनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान कई बार उनकी माँ और पूर्व विधायक निर्मला देवी भी यहाँ आती हुई दिखाई दी है, कई बार वो अपने बेटे से यहाँ बात करते हुए भी दिखाई दी है। लेकिन अब यह जो ईडी की रेड है राजनीतिक सुर्खियाँ भी बटोर रहा है और थोड़ी देर पहले हजारीबाग एक कार्यक्रम के लिए आई भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि झारखंड में ऐसी घटनाएं झारखंड को शर्मसार कर रही है। कुछ दिन पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के द्वारा जांच के बाद जेल भेजे जाते हैं और उसके पहले आईएएस ऑफिसर जेल भेजे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक लॉबी बताया है और यह कहने का प्रयास किया है कि ऐसी लॉबी झारखंड में काम कर रही है जो झारखंड को शर्मनाक कर रही है। और अब एक विधायक के आवास पर ईडी के अधिकारी इतने देर से छापेमारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड शर्मसार हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है। देख रहे होंगे ईडी के अधिकारी बार बार अंदर और बाहर आ रहे हैं। लगातार 36 घंटे होने को हैं और यह रेड चल रहा है। कितने देर यह रेड चलेगा यह कह पाना अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार ये रेड अभी भी जारी है। क्या कुछ कहा है अन्नपूर्णा देवी ने, आइए सुनते हैं। देखिए ये सब जो जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी अपना काम कर रही है और झारखंड की बात अगर हम करें तो विपक्ष के द्वारा इस तरह की जो विपक्ष मतलब जो अभी झारखंड में सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा इस तरह की चर्चाएं बार बार होती है, लेकिन आप सभी को पता है पूरे राज्य को शर्मसार करने का काम जो वर्तमान सरकार है सरकार के लोगों के द्वारा किया गया। आज शायद ये पहली घटना है यहाँ की कि मुख्यमंत्री रहते कोई जेल गए हों, तो कोई ऐसा नहीं है। जब जांच एजेंसी कहीं जा रही है, अगर जांच कर रही है तो जहाँ भी उंगली रखती है जांच एजेंसी वहीं दलदल में और दबता जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और निश्चित रूप से वो उनका काम है, वो नियमित काम है, वो अपना काम कर रही है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने फंसाया है, उनको टिकट लेने का दबाव दिया जा रहा था, ये सब बातें भी सामने आ रही है, उन्होंने दावा किया। कौन क्या बोलते हैं राज्य की जनता को मालूम है कि जो आज यही बात पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से ये बात आ रही थी, लेकिन जब एजेंसी के द्वारा जांच शुरू की गई तो चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो माइंस की बात हो, माइंस का घोटाला हो, चाहे बालू मतलब राज्य के अंदर जो अराजकता की स्थिति है, इन लोगों ने इस सरकार ने अगर हम देखें तो इस तरह से ये एक माहौल बना दिया कि पूरा राज्य आज शर्मसार हो रहा है, राज्य के लोग शर्मसार हो रहे हैं और भारत में जिस तरह से पूरे भारत देश में अगर देखें तो आज अभी की जो स्थिति है झारखंड की, चाहे देखें तो अधिकारी भी आईएएस ऑफिसर भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सब लोगों की एक मिली भगत एक बड़ा गैंग काम कर रहा है और राज्य को लूटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। अब यह जो मामला है राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कल अंबा प्रसाद ने भी जब उनके सरकारी आवास पर यह रेड ख़त्म हुई थी तो तरह तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए थे। अब बीजेपी की तरफ से भी उन पर पलटवार किया जा रहा है और जो आज शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है उनके बयान के बाद ही इनका यह बयान आया है। काफ़ी बड़ा मामला अब यह होता जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मियाँ भी अब झारखंड में इसे लेकर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। शशांक शेखर, न्यूज 22 स्कोप, हजारीबाग। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सरायथेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। पांच राज्य,
61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।